नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज। जय हो दोस्तों। हमारी वीडियोस से जुड़े सारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और उसके बाद बेल का आइकन जो है वो अवश्य दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि इससे आप तक सारे वीडियो समय से पहुँच सकेंगे। इसके अलावा आप हमारे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की ये अद्वितीय सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। 5-6 वीडियोस हमने कॉन्सेप्ट पे मूलभूत सिद्धांतों पर बनाए हैं, आज से फैक्ट्स को भी हम साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले आज जो संविधान के भाग हैं और उनके अंतर्गत जो विषय हैं और कितने अनुच्छेद इन भागों के अंतर्गत आते हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। ये आपका तैयार हो गया तो आपके काफी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको पता है कि किस भाग में कौन सा अनुच्छेद आएगा और कौन सा विषय आएगा, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से उनको आपको हल करने में बहुत ही सरलता होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम्स के लिए अनिवार्य हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ भागों के बारे में देखिए। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन संविधान संशोधनों के बाद वर्तमान में जो स्थिति है, 22 भाग तो हैं लेकिन गिनती में ये 26 हो गए हैं, 4 उपभाग सब पार्ट्स जो हैं जोड़ दिए गए हैं संशोधनों के द्वारा, और लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं इस समय गिनती में। 395 अनुच्छेदों के अलावा जो उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं उनको मिलाकर के लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं, और पहले 8 अनुसूची थी लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, तो इस तरह 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान में यही स्थिति है। जो 4 भाग बाद में जोड़े गए उनमें पहला जो जोड़ा गया भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। सरदार स्वर्ण समिति सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संविधान में जोड़ा गया, पहले संविधान में नहीं था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, पहले 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़ दिया गया, तो इस तरह से 11 मूल कर्तव्य कुल हो गए हैं। भाग 9 का ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान है। भाग 9 का ख ये 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, इसमें सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो भाग 9 का ख ये एकदम नवीनतम जोड़ा गया भाग है संविधान में, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। सहकारी समितियां इसके अंतर्गत आती हैं, सहकारी समितियों से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में हम जब महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आज के वीडियो में सिर्फ भागों के बारे में, उसमें जो विषय आते हैं और जो अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में बस पढ़ेंगे। भाग 14 का इसमें ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 का जोड़ा गया, इसमें अधिकरणों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब भागों के बारे में चर्चा। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51A जो कि 42वें संविधान संशोधन
1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान जोड़े गए जो भाग 4 क के अंतर्गत आते हैं। इसमें 11 मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन दिया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में प्रावधान है जो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, अर्थात अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 के अंतर्गत संघ संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनको 5 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार दिए गए हैं, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान है और अध्याय 5 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। ये सभी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच हैं। फिर अध्याय 6 राज्यों के बारे में प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 के अंतर्गत आते हैं। इनको भी 6 अध्याय में बांटा गया है। राज्य को 6 अध्याय में बांटा गया है जिसमें अध्याय 1 में सामान्य बातें हैं, अध्याय 2 में कार्यपालिका, अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार, अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। फिर भाग 7 आता है, ये निकाला जा चुका है, निरस्त है ये। इसमें पहले क्या था, इसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख राज्यों का उल्लेख किया गया था जिसे 1956 में समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 जो है निरसित है, इसमें कुछ नहीं है इस समय। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य आते हैं। भाग 9 में पहले जो है समूह घ के मतलब श्रेणी घ के राज्यों का उल्लेख था जिसे 1956 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भाग 9 में पंचायतों को शामिल कर लिया गया जो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ के अंतर्गत पंचायतों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ये भाग 9 के अंतर्गत आते हैं। भाग 9 का जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा जोड़ा गया, 1993 द्वारा जोड़ा गया जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेट जी तक आते हैं। तो इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 का संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह भाग 9 में पंचायतों के बारे में है जो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9 का में नगर पालिकाएं आती हैं, इनको संविधान के संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इनको भी जोड़ा गया। फिर भाग 9 का ख या भाग 9 का बी आता है। इसमें आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक जो अनुच्छेद आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सहकारी संस्थाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। सहकारी संस्थाओं को इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है जो 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, पहले संविधान में नहीं था। एक बात और जान लीजिए कि 97th संशोधन 2011 द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए संविधान में, यह देख लीजिए। भाग 3 में परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, अनुच्छेद 19(1) के सी के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को भी मूल अधिकार के अंतर्गत ले आया गया। फिर भाग 4 में अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया, ये नीति निरसक सिद्धांतों के अंतर्गत लाया गया। सहकारी संस्थाओं के निर्माण में राज्य योगदान करेगी, राज्य सहायता करेगी। फिर जो तीसरा परिवर्तन हुआ, भाग 9 बी या भाग 9 का ख जोड़ा गया संविधान में। तो इस तरह ये परिवर्तन हुए 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। फिर भाग 10 आता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 ए तक। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में प्रावधान है जो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आते हैं। इसको 2 अध्यायों में बांटा गया है, अध्याय 1 विधायी संबंध और अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध।
भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं तथा वाद के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 ए तक इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। इनको चार अध्यायों में बांटा गया है, अध्याय वन में वित्त, अध्याय दो में उधार, अध्याय तीन में संपत्ति संविधाएं अधिकार देयताएं बाध्यताएं और वाद, और अध्याय चार में संपत्ति का अधिकार आता है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संविधान विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 में संपत्ति का अधिकार आता है, अध्याय चार में अर्थात भाग 12 में ही संपत्ति का अधिकार सम्मिलित है। फिर भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य व समागम, इसमें आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 इसके अंतर्गत आते हैं। फिर भाग 4 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसका वर्णन है। इसको अध्याय दो अध्याय में बांटा गया है, अध्याय वन में सेवाएं और अध्याय दो में लोक सेवा आयोग। ये सभी आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 के मध्य हैं। फिर भाग 4 और 14 का, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया संविधान में, इसमें अधिकरणों के बारे में प्रावधान है। 323 ए और 323 बी इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। फिर भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें किए गए हैं, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 के मध्य इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा आती है, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संबंध में वर्णन है। इसको चार अध्याय में बांटा गया है, पहला अध्याय में संघ की भाषा, अध्याय दो में क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय तीन में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषाएं और अध्याय चार में विशेष निर्देश। भाग 18 संविधान का आपात के संबंध में उपबंध करता है, इसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के मध्य तीन प्रकार के आपात उपबंधों के बारे में और उसमें क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण आते हैं, इसमें आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 के मध्य विविध जो है सब्जेक्ट विविध विषयों के बारे में चर्चा है। भाग 20 में संविधान संशोधन आता है, आर्टिकल 368 में, इसमें संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 के मध्य इसके बारे में उपबंध है। और अंत में आर्टिकल 22 आता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन, आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 तक इनमें प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा भागों के बारे में, आप भाग तैयार कर लीजिए, इसमें क्या क्या विषय हैं और कितने अनुच्छेद इनमें आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा हो जाएगी, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे और नवीनतम क्या अनुच्छेद जोड़े गए हैं उनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप तक सारे वीडियोज़ समय से पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।